My character's name is Pakhi. She's a girl from Assam. She comes to stay in Mumbai to work. वो राजीव अनन्या और कुही के घर में काम करने के लिए आती है. असम की रहने वाली है. उसकी पिताजी की डेथ हो चुकी है, तो इसलिए वो उसकी माँ को पैसे की ज़रूरत होती है. उसे भेजा गया है मुंबई में. वो आना नहीं चाहती है, पर शी वॉज फोर्स टू गो. और शी इज़ ट्रैप्ड इन द कॉन्क्रीट जंगल एंड शी डजंट नो विच प्लेस टू एडजस्ट. वो सिटी लाइफ को अडॉप्ट करेंगी या विलेज लाइफ को अडॉप्ट करेंगी, वो उस कन्फ्यूजन में है. एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल इनोसेंट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल हु कीप्स ड्रीमिंग ऑल द टाइम. इट वॉज अमेजिंग. दिस माई फर्स्ट फिल्म एंड मैंने कभी एक्टिंग की क्लासेस पहले नहीं ली थी. आई वॉज़ वेरी न्यू. मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे कैमरा फेस करना, कैसे शूट होता है. तो व्हेन आई मेट ईरा दी एंड पलाश अंकल एंड एवरी वन बिस्वजीत अंकल, आई लर्न अ लॉट. दे वर वेरी फ्रेंडली विथ मी. दे हेल्प मी अ लॉट ऑन सेट एंड ऑन शूट्स एवरीथिंग. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. देखिए, कोई भी ऐसी फिल्म बनना जो कोई बहुत बड़ा मैसेज लिए हुए है, आज के युग में बहुत ही आवश्यक है. और इस तरह के जो फिल्मकार होते हैं, इस तरह की सोच समझ रखने के लिए जो पैसे लगाते हैं, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ. क्योंकि हिम्मत चाहिए अच्छे काम करने के लिए. जज्बा और हिम्मत और ईमानदारी और नीयत आपकी सब इकट्ठी होंगी तो ही आपसे अच्छे काम हो पाएंगे. कहने के लिए सब लोग दिल एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में कितना गंद घोला हुआ है लोगों ने, ये पता नहीं सब. तो ये तो बहुत ही बड़े मीनिंगफुल की बात आपने बताई. अगर कोई सच्चे किसी अर्थ को लिए हुए सिनेमा बनता है तो वो तो मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और साथ में एनलाइटनमेंट. I'm excited, I'm nervous, I'm thrilled, I'm proud. I'm just gonna wait and watch now. It's up to you guys, man. I'm simply euphoric. जो हमारे डायरेक्टर हैं वो खुद आसाम को बिलोंग करते हैं, उनके साथ ये खुद ही घटा है. हाँ. तो ये जो कहानी एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में वो शायद वही है. और हमारे प्रोड्यूसर के घर में चार जनरेशन से वही फैमिली काम कर रही है. एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमारे सब घरों में वही फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता है आज भी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो दैट. आई थिंक सब लोग बहुत वर्षा से ग्रीडी हो गए हैं. सबको सब कुछ करना है, इंक्लूडिंग ईरा हु वांट्स टू सिंग आल्सो. In fact, I have a very special bond with Palash Dada because I've been a huge fan of Euphoria and I've attended most of the concerts of Euphoria across the nation. Aur main fan tha Euphoria ka. Aur uske ilawa, I was part of the reality show called Popstars in 2002. I was in college that time, first year of college, and Palash Dada was the judge. So main tab se unko janta hu, main bahut unke saath travel kar chuka hu, bahut concerts pe ja chuka hu. So I think as a shishya, शिष्य के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ. आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रेंड एंड आई थिंक एवरी सिंगर इज़ एन एक्टर, क्योंकि आप जब इमोट करते हैं थ्रू अपनी वॉइस के थ्रू, तो आप एक एक्टर को दिमाग में रखकर करते हैं. और आप देखते हैं चाहे बड़े से बड़े सिंगर हो चाहे कोई भी सिंगर हो, उसमें एक टेक्स्चर होता है वॉइस के अंदर. अगर रोमांटिक सॉन्ग होता है तो रोमांस इमोट करते हैं, अगर कुछ ग्रंजी सॉन्ग होता है तो इमोशन अलग होता है. सो आई थिंक एवरी सिंगर इज़ डेफिनेटली एन एक्टर फॉर श्योर.